महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यनंद गिरी महाराज मिर्ची बाबा ने बीती रात ग्वालियर में उनके आश्रम के पास कुछ नकाबपोश लोगों द्वारा उनके वाहन पर हमला करने की शिकायत पुलिस में की है। मिर्ची बाबा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उधर मिर्ची बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं हमले और मौत से नहीं डरता, जब तक जान है हमेशा गोमाता के लिए आवाज उठाता रहूंगा। मिर्ची बाबा ने ग्वालियर में सोमवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि मैं गोमाता के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरी लड़ाई ये है कि गोमाता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। आज मध्य प्रदेश की गौशालाओं में घास नहीं है, ग्वालियर में गोले के मंदिर की गौशाला की स्थिति खराब है। मैं इसलिए ग्वालियर प्रवास पर आया हूँ। मैंने SP को सूचना दी थी, उन्होंने सुरक्षा का भरोसा भी दिया था, लेकिन मेरी सुरक्षा नहीं हुई। मिर्ची बाबा ने बताया कि रविवार की रात जब अपने जड़ेरुआ आश्रम पिंटू पार्क पर आए तो रात करीब 10:30 बजे मुंह पर कपड़ा बांधे कुछ लोग मेरी गाड़ी की तोड़फोड़ करने लगे। मुझे कहने लगे कि मध्य प्रदेश में यदि गोमाता के लिए आवाज़ उठाओगे तो जान से मार दिया जाएगा। मिर्ची बाबा ने मीडिया से कहा कि मैं मरने से नहीं डरता, बस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहना चाहता हूँ कि क्या उनकी सरकार संतों की सुरक्षा करने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि मैं मरने से नहीं डरता, कल मृत्यु हो जाए, गोली मरवा दी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक जान है गोमाता की लड़ाई लड़ता रहूंगा। आप कांग्रेस से जुड़े हैं ना? नहीं, मैं कांग्रेस से जुड़ा हूं या कांग्रेस से नहीं जुड़ा हूं, इसका मुझे ये बताइए क्या गुरुजी थे गोपाल? देखिए, मैं हमेशा से गौ माता के लिए आवाज उठाता रहा हूं और गौओं की लड़ाई में हमेशा से लड़ रहा हूं और लड़ूंगा। मैं ग्वालियर आने से पहले SP जी को फ़ोन करके सूचना की। मैंने कहा मैं 3 दिवसीय ग्वालियर के प्रवास पर रहूंगा। SP जी ने मुझे कहा मैं सुरक्षा दूंगा, उसके बाद कोई सुरक्षा मुझे नहीं भेजी और मैं जड़ेरुआ आश्रम पे कल रात 10:30 बजे गया तो वहाँ से लौट करके जब मैं आ रहा था तो 2 लोग काले कपड़ा डाले और मेरी गाड़ी पे बुरी तरह लाठी से शीशा फोड़ने लगे, बम्पर तोड़ने लगे। हम डरे हुए थे, हमारे कांच भी चुहे हैं। उसके बाद मैंने 100 नंबर पर फ़ोन लगाया। 100 नंबर के फ़ोन के बाद में फिर मैंने थाने फ़ोन लगाया, कंट्रोल रूम फ़ोन लगाया और ये सारे फ़ोन लगाने के बाद में गोले के मंदिर की कुछ पुलिस वहाँ पहुँची थी और रात में मैंने FIR दर्ज कराई है। क्या आपके साथ सुरक्षा गार्ड नहीं था क्या? जब सुरक्षा दी नहीं है तो सुरक्षा होगी कैसे? किस पर आरोप लगा रहे हैं? किसकी टारगेट लगा रहे हैं? भाई टारगेट, मैं टारगेट का विषय नहीं, मैं तो साफ सुथरी बात कह रहा हूँ कि गौ माता की आवाज उठाने वालों की आवाज दबाई जाए। आप कांग्रेस से जुड़े हैं ना? नहीं, मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ या कांग्रेस से नहीं जुड़ा हूँ, इसका मुझे ये बताइए क्या